वूलवर्थ चैन स्टोर के मालिक फ्रैंक वूलवर्थ। न्यूयॉर्क स्टेट के रोडमैन में जन्मे फ्रैंक वूलवर्थ चैन स्टोर की अवधारणा के प्रवर्तक थे। वे गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत में बहुत सी मुश्किल झेली थी, लेकिन इसके बावजूद वे अपने जमाने में अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बन गए। उन्होंने 5 और 10 सेंट में सामान बेचने की अवधारणा को पूरे अमेरिका में लोकप्रिय कर दिया। 1879 में एक छोटे से स्टोर से शुरू करके उन्होंने 40 साल के भीतर 1000 स्टोर खोल डाले। वूलवर्थ की स्टोर चैन पहली रिटेल चैन थी जो कम कीमत वाले सामान बेचने में केंद्रित थी। फ्रैंक वूलवर्थ की सफलता का रहस्य क्या था? सिर्फ यह कि उनके पास एक विचार था, एक अद्भुत विचार। जिस वक्त उनके मन में यह विचार आया, उस वक्त वे $10 प्रति सप्ताह की तनख्वाह पर मिडवेस्ट की एक दुकान पर काम कर रहे थे। उस वक्त मिडवेस्ट की दुकानों में 5 सेंट की टेबल रखने की प्रथा शुरू हो गई थी। इस टेबल पर वह पुराना या बेकार सामान रखा जाता था जो स्टोर में काफी समय से पड़ा होता था और बिक नहीं रहा होता था। ग्राहक सस्ता सामान खरीदने में प्रलोभन में फंस जाते थे और इस चक्कर में स्टोर से दूसरे सामान भी खरीद लेते थे। वूलवर्थ के मालिक मूर एक बार न्यूयॉर्क से हर माल 5 सेंट वाली $100 की चीजें लेकर आ रहे थे। वूलवर्थ ने वह काउंटर जमाया और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पूरा सामान एक दिन में ही बिक गया। इससे वूलवर्थ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्टोर शुरू किया जाए जहां हर सामान 5 सेंट में ही बेचा जाए। अगर एक टेबल में रखा सामान इतनी जल्दी बिक जाता है तो फिर उस स्टोर का सामान भी जल्द ही बिक जाएगा और उन्हें ढेर सारा मुनाफा होगा। इस बेहतरीन विचार के आते ही वूलवर्थ ने $300 उधार लिए और फरवरी 1879 में यूटिका न्यूयॉर्क स्टेट में अपना द ग्रेट 5 सेंट स्टोर खोला। इसमें $321 का सामान था और हर सामान की कीमत 5 सेंट थी। बहरहाल यह स्टोर ज्यादा नहीं चला और जल्द ही बंद हो गया, लेकिन वूलवर्थ ने हिम्मत नहीं हारी और उसी साल जून में लैंकास्टर पेनिनसुला में एक और स्टोर खोल दिया। यहां उन्होंने 5 और 10 सेंट में सामान बेचा। लैंकास्टर की दुकान सफल हो गई। नवंबर 1880 में उन्होंने पेनिनसुला के स्क्रैंटन में एक और स्टोर खोला। यह भी सफल रहा और इसके बाद वूलवर्थ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1895 तक वूलवर्थ के पास 28 स्टोर्स हो चुके थे जिनमें उनके पुराने मालिक विलियम मूर का स्टोर भी शामिल था। तब तक उनकी आमदनी $10 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। वूलवर्थ तेजी से तरक्की करते रहे। जनवरी 1918 में उनका 1000वां स्टोर खुला। जो विचार से शुरू हुआ था वूलवर्थ का रिटेल बिजनेस अब विश्वव्यापी बन चुका था। अप्रैल 1913 में जब वूलवर्थ बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो यह उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। 1916 में वूलवर्थ की आमदनी $8.7 करोड़ थी और 8000 से अधिक जनसंख्या वाले हर अमेरिकी कस्बे में वूलवर्थ का स्टोर खुल चुका था। वूलवर्थ कम कीमत का सामान बेचने के प्रवर्तक थे। बाद में वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने उनका अनुसरण किया। वे चैन स्टोर्स और वॉल्यूम रिटेलिंग के दम पर रिटेल साम्राज्य बनाने वाले पहले व्यवसायी थे। फ्रैंक वूलवर्थ चैन स्टोर्स के शुरुआती प्रवर्तक थे। 1916 में FW वूलवर्थ के स्टोर्स 70 करोड़ ग्राहकों को सामान बेच रहे थे और वूलवर्थ करोड़पति बन चुके थे। तो ये थी फ्रैंक वूलवर्थ के वूलवर्थ रिटेल चैन की कहानी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं।